साध्या का आज पहली बार वो एग्जाम देने गई है और तकरीबन टाइम अभी काफी हो चुका है उसको लेकर के आना है। घर से निकल चुके हैं, तकरीबन अभी 10 मिनट में हम स्कूल में उसके पहुंच जाएंगे। ध्यान से हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम सब बढ़िया हैं और आज के ब्लॉग के करते हैं शुरुआत। अभी मैं और बहन लेने जा रही हैं राध्या को। राध्या का आज पहली बार वो एग्जाम देने गई है और तकरीबन टाइम अभी काफी हो चुका है उसको लेकर के आना है। बहन बहुत जिद कर रही है, चलो चलो जल्दी चलो चलो, टाइम हो गया। सो गाइस अभी चलते हैं। कौन छोड़ने गया था? पापा और बहन छोड़ने गए थे, अभी मैं जा रहा हूँ लेने। एक तो है जब वो जल्दी कर देती है, चलो जल्दी चलो जल्दी, 12:30 छुट्टी होगी, 12:10 हो गए। कोई बात नहीं, मामे की चलती है। स्कूल की तो दूर है। बाइक लेकर के चलते हैं। इसकी ना इलेक्ट्रिक स्कूटी पे मुझे विश्वास नहीं है। अच्छा, इसको साफ करना है, कोई देव देखो कितनी धूल पड़ गई है। अभी हम घर से निकल चुके हैं। चश्मा मैं बहुत कम लगाता हूँ, लेकर के बहुत ज्यादा रखे हुए हैं और पैर पीछे बैठी हुई है। तो तकरीबन अभी 10 मिनट में हम स्कूल में उसके पहुंच जाएंगे। तो ये ना उसके दिमाग पे ज़्यादा बोझ डाल देती है कि बढ़िया बढ़िया, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको एंजॉय करने दो, पढ़ने दो, संभालना तो अपना ही बिजनेस है घर का, पुश्तानी बिजनेस संभालना है, ऐसे ही चक्करों में पड़े रहो। हम स्कूल में पहुंच चुके हैं तो अंदर चलते हैं राध्या को लेने। सो ये देखिए गाइस, बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है। छुट्टी के बाद बच्चे माता पिता के साथ जहाँ खेलते रहे। हेलो, है कर दो। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया रहा। सो कैप लगाइए ना, ज्यादा खोल दे यार। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया रहा ना। ध्यान से राध्या बहुत खुश है, अभी खेल रही है और एग्जाम्स का हो गया था। अभी उसको ना गाड़ी में बिठा दिया था, गाड़ी जाती है ना घर छोड़ने, तो फिर इसको गाड़ी से निकाल के हम जहाँ ले आए हैं, थोड़ा इसको जहाँ घुमाते हैं, तो अभी सेहत अच्छी है तो खेल रही है, खुश है। सो भैया जब भी खुद आया करो लेने, बच्चों को खिलाया करो, बच्चा तभी एक्टिव होगा। बस लगाई हुई है, बस घर छोड़ जाती है, घर के पास स्कूल है तो आप आओ 10 मिनट, देखो कितने बच्चे जहाँ पर खेल रहे हैं, कुरमल हो रही है बच्चों की। हैं हमारी कहाँ गई? जे एक बनाया गया है, जे बच्चे बड़ों के लिए है। मैं तकरीबन फर्स्ट टाइम इसके अंदर गया, स्कूल के अंदर गया हूँ, बहुत बढ़िया स्कूल है। अभी तक गाइस घर में खाना भी नहीं खाया, जाके खाना भी खाते। चले राध्या, चले नहीं राध्या, इसके बाद फिर घर चल पड़ेंगे, ठीक है? ये लास्ट है, चलो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। ये लो, ठीक है, चलते हैं हम घर राध्या को लेकर के। और कहती है कि बढ़िया रहा एग्जाम, छोटी बच्ची है, क्या एग्जाम होगा, बस थोड़ा सवाल पूछते रहते हैं। वो पीछे बैठाना है राध्या, बाय तो बोलो, फिर चले, चलो बैठो, कैप लगा दो। अभी गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, तो अभी मम्मी को बताया कि नानी क्या क्या मैं करके आई हूँ वहाँ पर। तो आज सब्जी में क्या बना है? आलू मटर की सब्जी बनी हुई है, चावल खाने को मन कर रहा है, चावल बनाए नहीं होंगे, साथ में रोटी बनी होगी, अमावस्या भी आज, तो कुछ थोड़ा दान पुण्य भी करने चलते हैं कुष्ठ आश्रम में। तो भागवत कथा भी जलंधर में शुरू हो रही है आज जया किशोरी जी की, 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक शायद, तो वो भी देखने चलेंगे। चल दिखाओ, सुंदर लग रहा है। मम्मी खाना बना रहे हैं, मम्मी चावल बना देते हैं यार, सब्जी धनिया डाला है इसमें, डाल साथ में चाय, खाना खाओ चलो। तेरे अंदर इतना दम नहीं है, उसको बोल नहीं सकती, डर किस बात का है तेरे अंदर? मामा है, डबल मामा। राध्या छुप गई, देखो डरती है मुझसे, खाना नहीं खा रही और बस उछल कूद चली हुई है, इंजेक्शन लगे हुए ना, उसकी ताकत इसके अंदर है अभी।
बेटा खाना खाया करो, फिर जितना मर्जी खेलो। हिलना नहीं है, पहले खाना खा ले आराम से। आज ना जे वहाँ पर डांस सीख के आई है कोई जुत्ती के सॉन्ग के नाम पर, तो शायद वही लगा हुआ है। वही लगा है, सही यही है आराध्या? अच्छा अच्छा, फिर करके दिखाना कैसे करते हो। खाना भी लग गया है, सब्जी ये रोटियों में तल के मुझे दी है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। साथ में चाय चाय भी डाल दो। मैं डालती हूं, जाओ फिर ले आओगे पीछे, तू लेके जाना चाय से ले जाओ। खाते हैं खाना। सुन आते हैं, खा लिया? खा लिया। तुम खा रही हो? खा रही खा रही। अजय आराध्या ने खा लिया। गाइस देखना आराध्या बड़ी हो गई है, ये सामने आराध्या है, चेस की मम्मी है, क्या बात है। पापा संस्कार लगाए रखे हैं, तो भी खाना खाते हैं। अभी बहन लगी हुई है काम करने। ये कितना टाइम रखना है इस मेहंदी को? हैं लगे हो मम्मी? इधर पपीता काट रहे हैं, थोड़ा सा लेकर आए। मम्मी ज़्यादा लेकर आए? अच्छा राधे के लिए लेकर आए हो। तो भांजी इधर क्या कर रही है? भांजी कपड़े धो रही है। सोविया फिर इसीलिए बीमार होती है, पानी में लगी है। चल गाइस अभी बहुत पुरानी तंदों की मैल उखाड़ी जा रही है। आ गई है तू, ये दुनिया देख रही है। सोविया मेहंदी के रंग और ना निशान पड़ जाएंगे सोविया। है बहन मैं सर से बात करती हूँ, है कौन? निशान पड़ जाएंगे ना कर मोहित तू सारा। सो गाइस देखिए ये चेहरे पर रंग और रौनक करती हुई पापा डोर ढूंढ रहे हैं। मेरा मत थोड़ा पतंग चढ़ाना था इसलिए डोर ना मिल नहीं रही, तो अभी सारी जगह देख ली है। अभी इसमें भी एक बार चेक करके देख लेते हैं है कि नहीं है। मिल गई गाइस, पिछली बार ये बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, मिली नहीं थी। पतंग है, पतंग तो ये पड़े हुए हैं अभी। हाँ जे गाइस मांझा मिल गई। सो गाइस ये पिछले साल के पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें से कुछ फट भी गए हैं। आराध्या जितना पतंग है ना, आराध्या से थोड़ा छोटा सा है। चढ़ाएं आराध्या? हाँ। चढ़ाओगी? हाँ। पिछली बार भी आया था तो बहुत ज़्यादा डोर ढूंढी, पतंग ढूंढा, पतंग तो थे लेकिन डोर नहीं मिल रही थी। सो इस बार ही मिल गई है बसंत पंची पर, तो मैं जहाँ पर नहीं था उड़ा नहीं पाया, तो आराध्या भी आई हुई है तो 10-15 मिनट उड़ाते हैं। ये मैंने पिछले साल लिया था 16 तार डोर स्पेशल मांझा, बाकी बढ़िया है। अभी तो फिलहाल कोई उड़ा नहीं रहा बसंत पंचमी पर, पंजाब में बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, दिल्ली में उड़ते हैं 15 अगस्त पर। तो चलिए राधे छत पे। राधे पकड़ोगे? पापा गए हैं गाइस नीचे, एक हाथ से पतंग चढ़ा रहा हूँ, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हुआ है। राधे के लिए डोर लेने गए हैं। ये पतंग ना थोड़ा भारी है इसलिए राधे को नहीं मैं पकड़ा रहा हूँ, जो हाथ में ना चीरे लग जाएंगे। बहन पतंग चढ़ाती हुई ए ए ए ए आए सुर में। आराध्या पतंग उड़ाती हुई। अरे डोर तो चलो संभालो संभालो। हल्ले ही से। हाँ हाँ आ गया। उधर पतंग तो दिखाया मेरे मुंह दिखा। पतंग चढ़ाने का मजा तब आता है कि सामने भी हो, जा कट जाए जा काट दें, अकेले लगे रहो। राधे जे पकड़ ले, क्या डर रही है? जान से पकड़ लो। सो गाइस राधे रोने लग गई है, अब ना दूसरा पतंग चढ़ाते हैं हल्का वाला, फिर इसको पकड़ाते हैं। राधे चढ़ा रही है पतंग। हाय हाय क्या बात है, राधे ने कितना ऊंचा पतंग चढ़ा दिया। ओए होए ओ देखो शाबाश। चाय भी बन करके आ चुकी है, तो जे मैंने ना मेरे पास उस भी नींबू नहीं था ना, नींबू डालता बढ़िया लगता ज़्यादा टेस्टी। इतने बड़े थे घर में बस कर लिया ना, तो इसमें मैंने प्याज डाला है। जे ले बहन मेरी तरफ से ले खा, जे काजू दे रहा हूँ तुझे मैं। हाँ मलाई मलाई तुझे दे दी इसकी मैं, खाओ काजू। अभी गाइस मैं और बहन जा रहे हैं, पहले तो बहन के घर पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर में, तो मम्मी और पापा यहीं पर रहेंगे। ठीक है मम्मी मैं चलता हूँ। ठीक है तो चलो ठीक है मम्मी बाय बाय। गाइस अभी चलते हैं मंदिर में, मत्था टेक के आते हैं। चलो बेटा चले मंदिर। अभी टेको मत्था। सो अभी गाइस मत्था टेक लिया है, तो अभी चलते हैं घर। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, जाम काफ़ी लगा था, लेट हो गए। अभी 8 बज चुके हैं,
10 मिनट बहन के घर पे बैठ करके फिर चलते हैं अपने घर पे, खाना पीना खाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, चले राधे घर। सो गाइस अभी मंदिर से सीधा मैं घर जा रहा हूँ, तकरीबन 4-5 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। सो भी गाइस रात्रि के 9:30 हो चुके हैं तकरीबन, अभी मैं घर पहुँचा हूँ। सो मैं खाना तो बाहर ही खा के आया था, जहाँ हम गए थे ना मंदिर में मत्था टेकने, उसके पास ही है श्री देवीतला माता रानी का मंदिर। बहुत बार मैंने ब्लॉग में आपको दिखाई भी है, दर्शन भी करवाए हैं, तो वहाँ का आज मैं ब्लॉग नहीं बना पाया और वहीं पर मंदिर में गए। मंदिर में वहाँ पर बफे चल रहे हैं आजकल और तकरीबन 50 रुपये में वहाँ खाना मिलता है, तो वहीं से मैं खाना खा के आया था, बहन भी और जीजा जी भी आराध्या भी। तो अभी मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था कि आप अपने लिए खाना बना लेना, मैं वहीं से खा करके आया हूँ, इनको भी लेकर के चलूँगा। वहाँ पर तकरीबन 5-6 महीने पहले स्टार्ट किया है और बहुत बढ़िया लगा वहाँ पर जा कर के, सो आपको भी लेकर के चलूँगा। है चलेंगे। तो वही आपने क्या बनाया है? मैंने सुबह की सब्जी। चलो आप बनाओ रोटी अपने लिए खाओ। तो तुझे दिख रहे थे। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है रात्रि के 11:30, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया। सो इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं कल नए दिन की नई शुरुआत में। वीडियो अच्छी लगी हो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड नाइट, शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।